नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज की कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बातचीत करूंगा बर्जर पेंट के बारे में। तो बर्जर पेंट इंडिया की एक सेकेंड लार्जेस्ट पेंट कंपनी है, और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो फाइल सबसे पहले मैं अपडेट आपके साथ शेयर करता हूँ कि कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो फाइनली आ चुके हैं। बर्जर पेंट का जो क्वार्टर टू का जो रिजल्ट है वो प्रॉफिट जंप 33%। अभी एक चीज मैं बता दूं कि पेंट इंडस्ट्रीज में जिस तरीके से ग्रोथ होने का मतलब पोटेंशियल है, उस बेसिस में देखा है तो 33% मुझे उतना ज्यादा खास भी नहीं लगा, क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 292 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब रेवेन्यूज भी ग्रोथ हुआ, चलो वो किस तरीके से ग्रोथ हुआ, मार्जिनली ग्रोथ होगा, मतलब उतना ज्यादा हाई ग्रोथ नहीं है, छोटा मोटा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। अभी यहाँ पे 33% का ग्रोथ जो हुआ है वो किस बेसिस में है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए क्वार्टरली जो रिजल्ट है, पिछले बार का जो सेल्स हुआ था, इस बार देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जिसका रेवेन्यूज का ग्रोथ बताया जा रहा है, जो सेल्स का जो ग्रोथ बताया जा रहा है वो मार्जिनली क्यों है, क्योंकि सिर्फ 100 करोड़ के आसपास ही कंपनी का सेल्स का ग्रोथ हुआ। अभी कहने का मतलब है कि कंपनी पिछले बार का जो ग्रोथ हुआ था, पिछले बार का जो सेल्स हुआ था वो बहुत शानदार था। इसका मतलब ये बताया जा रहा है कंपनी का जो एस्टीमेट है, एस्टीमेट दो तरीके से होता है, एक ईयर ऑफ ईयर बेसिस का, एक क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस का। इसका मतलब दो साइड से देखा जाए तो कंपनी का जो एस्टीमेट है ईयर ऑफ ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस को, दोनों को ही कंपनी मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस को तो बीट कर पाए, मगर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस को कंपनी बीट नहीं कर पाया। तो कंपनी के जो एक्सपेंस है उसको मेंटेन करने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 220 करोड़, और इस बार यहाँ पे कितना बना, 292 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी पिछले सालों के तुलना से प्रॉफिट जो जम किया, जहां पे यहाँ पे यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि 33% के आसपास प्रॉफिट जम हुआ, मगर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा पिछले बार कितना प्रॉफिट था, 355 करोड़। इसका मतलब जो एस्टीमेट किया गया था उस एस्टीमेट को कंपनी बीट नहीं कर पाया। तो ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट जरूर मैं कहूंगा, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जरूर कहूंगा कि कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिल सकता है। अभी चार्ट पैटर्न में दिखाऊंगा कि हाल ही में इसका सिचुएशन क्या है। अभी सबसे पहले दो पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखना है, कंपनी का रिजर्व किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है और कंपनी का कर्जा किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। देखिए कंपनी का कर्जा भी बढ़ रहा है और कंपनी का रिजर्व भी ऑलमोस्ट 3 गुना के आसपास बढ़ चुके हैं। तो कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी लगातार बढ़ते चले जा रहा है। कंपनी का फिक्स्ड एसेट के बारे में बात करूं तो 500 करोड़ फिक्स्ड एसेट था, अभी बढ़ के हो चुके 3,300 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के जो फिक्स्ड एसेट है वो लगातार बढ़ते चले गए। और उसके साथ साथ CWIP के बारे में बात करूं तो CWIP में 125 करोड़ के आसपास यहाँ पे CWIP देखने को मिला। इसका मतलब कंपनी इस प्रोजेक्ट के ऊपर 125 करोड़ के आसपास यहाँ पे पैसा लगा चुके हैं। अभी यही बात मैं आपके साथ बता दूं कि पिछले एक साल पहले 606 करोड़ के आसपास कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर ऑनगोइंग प्रोसेस में पैसा लगाया था। तो आज इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करो, कंपनी इस बार अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी किया, 180 करोड़ के आसपास यहाँ पे देखने को मिला। अभी कंपनी इस बार कितना ट्रेड रिसीव किया, ओवरऑल बात करूं तो कंपनी इस बार हाइस्ट ट्रेड रिसीव किया, करीबन 1,670 करोड़ के आसपास आप बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कंपनी के जब हर पैरामीटर सही लग रहा है तो उस कंपनी के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए। और एज ए इन्वेस्टर तो प्रोमोटर के बाद देखिए FIS ने भी माल नहीं बेचा, DS ने भी माल नहीं बेचा, उल्टा DS ने क्या किया, खुद का होल्डिंग को बढ़ा चुके हैं, और FIS के पास जितना होल्डिंग था वही होल्डिंग को वो कंटिन्यू कर रहा है, और पब्लिक के पास भी कंटिन्यू वही होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिला। अभी देखिए प्रोमोटर के पास छोटा मोटा स्टेक यहाँ पे बेचा गया था, वो फिर से होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है 75% के आसपास। तो जब इंस्टीट्यूशन कंपनी के ऊपर भरोसा कर रहे इतना क्या, और साथ ही साथ प्रोमोटर खुद की होल्डिंग कंपनी के ऊपर भरोसा जिता रहा है, क्या उस कंपनी खराब हो जाएगा, मेरे हिसाब से नहीं, आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। और लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो जो डिलीवरी का जो परसेंटेज था वो ग्रोथ तो हुआ था, और लास्ट कुछ फ्यू डेज में मतलब 27 अक्टूबर के बाद कंपनी के ऊपर सेलिंग जो प्रेशर है वो कंटिन्यूसली देखने को मिला। इसका मतलब जितना बाइंग हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा सेल ऑफ हो रहा है, और जिसके लिए डिलीवरी का जो परसेंटेज है यहाँ पे कम होता देखने को मिले।
अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने आपको एक कफ विद हैंडल पैटर्न बना था, मैंने आपको मेंशन भी किया था और शानदार तरीके से इस पैटर्न को ब्रेकआउट भी किए। और ब्रेकआउट कब किया आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट एक्चुअली यहाँ पे हुआ और इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया। तो इसके ऊपर एंटी लेवल बना था और जो टारगेट बना था वो करीबन करीबन 740 रुपीज के आसपास, 742 रुपीज के आसपास इसका टारगेट बना था। और मेरे हिसाब से यहाँ पे टारगेट तो बना था और टारगेट को यहाँ पे क्या किया, डाउन साइड में ट्रेड किया और नीचे साइड में आने के लिए वो इंतजार भी करा था। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जिस तरीके से करेक्शन हुआ, जिस तरीके से करेक्शन हुआ और इस रेंज को वो टच किए और यहाँ पे एक स्ट्रांगली सपोर्ट रेंज मिला। स्ट्रांगली सपोर्ट रेंज कहाँ पे है, 200 डेज ईएमए पे कंपनी का स्ट्रांगली सपोर्ट रेंज है, जहाँ पे 200 ईएमए को टच किया और वहां से वो रिवर्सल भी कर रहा है। अभी देखना यह है कि कंपनी यहाँ पे इसको ब्रेक करके सस्टेन करते हैं कि यहाँ से फिर से गिरते हैं। अगर यहाँ से फिर से गिरावट स्टार्ट हुआ तो सोच लेना एक बड़ा फॉल दिखेगा और वो फॉल दिखेगा इस रेंज तक, मतलब यहाँ पे जो लोअर रेंज है इस लोअर रेंज तक आपको सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है अशोक लेलैंड। देखिए अशोक लेलैंड के बारे में मैं बहुत बार वीडियो बनाकर आपको शेयर किया हूं और मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूं कि कंपनी लगातार लगातार खुद का ग्रोथ बढ़ाते चले जा रहे हैं। आप देखेंगे कंपनी सेल्स का रिपोर्ट, जो अक्टूबर मंथ का सेल्स का रिपोर्ट आने वाला था वो फाइनली आ चुके हैं और एक तरीके से डेटा को रिलीज किया गया और मैंने आपको अभी दिखा रहा हूं, क्योंकि आपको इस सारी चीजों को देखना चाहिए चाहे कभी भी रिलीज हो। तो इसको देखने का मतलब यही है कि आपको कंपनी के ऊपर एक जो भरोसा है वो और भी ज्यादा बढ़ेगा अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है। तो देखिए डोमेस्टिकली कंपनी के टोटल जो इसका गाड़ियां है, देखिए ट्रक्स के बारे में बात करो तो पिछले बार ट्रक्स का जो ग्रोथ हुआ था उससे कई गुना ज्यादा बसेस का ग्रोथ हुआ था, मतलब बसेस ज्यादा से ज्यादा सेल हुआ था। इस बार भी वही चीज देखने को मिला, पिछले बार 757 के टोटल यूनिट माल बेचा गया था, बस बेचा गया था, इस बार करीबन 1139 के क्वांटिटी के आसपास माल बस बेचा गया, करीबन करीबन 50% का ग्रोथ हुआ, ईयर ऑफ ईयर बेसिस में 87% के आसपास ग्रोथ हुआ। तो सोचिए कितना तगड़ा बस बेचा जा रहा है। हाँ, ट्रक्स जो सेक्टर है ट्रक्स इंडस्ट्रीज में थोड़ा सा यहाँ पे कमजोरी देखने को मिला, क्योंकि टाटा मोटर्स अलग अलग ट्रक्स लॉन्च कर चुके हैं, उसके साथ साथ आईचीआर मोटर भी ट्रक्स इंडस्ट्रीज में अच्छा खासा नाम जता चुके हैं और बाकी भी बहुत सारे कंपनीज है। और अशोक लेलैंड के बारे में बात करूं, ट्रक्स में थोड़ा सा कमजोरी देखने को मिला सेल ऑफ में, फिर भी आप देखेंगे एलसीबी जो गाड़ियां है उसके हिसाब से 12% के आसपास यहाँ पे सेल देखने को मिला, सेल्स इंक्रीज हुआ, मतलब क्वांटिटी बेचा गया। अभी टोटल जो एक्सपोर्ट के मामले में है तो कंपनी डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट के हिसाब से जो बसेस है तो बसेस का जो रेंज है आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया में जितने माल बेचा जा रहा है बाहर की कंट्रीज में उतना ज्यादा क्वांटिटी सेल ऑफ नहीं किया जा रहा है। तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिला है। जैसे आप लास्ट कुछ डेटा देखेंगे टोटल जो व्हीकल्स है उसमें कितना हुआ, 13% का ग्रोथ हुआ, जहां पे 14,863 यूनिट्स बेचा गया, मतलब बेचा गया था पिछले सालों में और इस बार बेचा गया 16,864 यूनिट। ये सारे पॉइंट्स देखने के बाद एक ही बात को आपको मैं कहूंगा कि कंपनी खुद को मतलब बड़ा करने के लिए सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसलिए नया नया प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कंपनी सीएनजी के ऊपर भी काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ देखा जाए तो हाइड्रोजन की गाड़ियां भी, मतलब हाइड्रोजन ट्रक्स भी वो बना रहा है जो हाइड्रोजन के माध्यम से चलेंगे और साथ ही साथ ईवीज के ऊपर भी उसका कंटिन्यू काम हो रहा है। और मुझे लगता है जो बसेस इंडस्ट्रीज में अशोक लेलैंड को अलग लेवल से जाना जाता है, कुछ कुछ स्टेटों में तो आपको टाटा मोटर्स का बस मतलब देखेंगे ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा अशोक लेलैंड का बस आपको देखने को मिल जाएगा। अभी मुझे एक कमेंट्स करके बताना कि महाराष्ट्र में जो बस सर्विसेस है उसमें कौन सा गाड़ी है, कौन सा कंपनी के गाड़ी है ज्यादा देखने को मिल जाते हैं, आप गूगल का भी हेल्प ले सकते हैं। तो इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूंगा, कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो फाइनल नहीं आया, तो जब रिजल्ट आएगा तो इसके ऊपर डिटेल्स में स्टडी करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कंपनी को लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली डिलीवरी उठा जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कंपनी का रिजल्ट कुछ दिनों के बाद ही आपको मिल सकता है। तो फाइनली अभी तक डेट नहीं आया, तो मुझे लगता है रिजल्ट अगर आ जाएगा तो एक अच्छा खासा धमाका होने का चांसेस है, क्योंकि लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली डिलीवरी उठा जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। अभी रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको एक लेवल मेंशन करके दिया, एक बिग जैसे लेवल है, एक कोविड से पहले एक लेवल बना था, उस लेवल से मैं मार्किंग करूं तो ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर एक कुछ इस तरीके से पैटर्न्स क्रिएट हुआ। जैसे आप देखेंगे
यहाँ पे क्या बना, एक बिग कप बना, उसके बाद एक हैंडल भी क्रिएट हुआ, फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद कंपनी रिवर्सल भी किया। तो कभी कभी इतनी लॉन्ग जर्नी करने के बाद, ब्रेकआउट होने के बाद कभी कभी रिट्रेसमेंट भी किया जाता है। तो रिट्रेसमेंट होने के बाद मुझे लगता है यहाँ पे 200 डेज EMA भी इसका सपोर्ट देगा, और यहाँ पे भी पहले एक सपोर्ट है। दोनों सपोर्ट को अगर मिलाकर फिर से जर्नी करना स्टार्ट किए तो एक बड़ा धमाका मिलने का चांसेस है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, इसका मतलब डीमार्ट। देखिए डीमार्ट के ऊपर मैंने एक अपडेट आपको साथ पिछले वीडियो में शेयर किया था कि डीमार्ट के ऊपर जो सेल्स का जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे करके कम हुआ है। और आप एक रिपोर्ट में और भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि रिलायंस का जो रिटेल है उस रिटेल बिजनेस में रिलायंस बहुत तेजी से एक्सपेंड करना चाहते हैं और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि उसका जो टारगेट है अभी फिलहाल के वो टारगेट कुछ इस तरीके से वो मेंटेन कर रहे हैं। हर टू टायर सिटी में, थ्री टायर सिटी में जो है लोकल मतलब सिटीज में भी कंपनी पहुंचने वाले हैं, इसलिए हर जगह पे आपको हर दिन आपको कंपनी का प्रेजेंस देखने को मिलेगा। कंपनी एक टारगेट लेकर चला है रिलायंस रिटेल में, ऑल ओवर इंडिया में हर दिन 2 अलग अलग मॉल्स ओपन करेंगे। तो सोचिए इतना बड़ा अगर टारगेट लेकर रिलायंस चले तो एवेन्यू सुपरमार्ट का जो रिटेल का जो बिजनेस है उसमें थोड़ा सा तो खतरा बनेगा, क्योंकि एवेन्यू सुपरमार्ट का जो बिजनेस है अभी तक टू टायर सिटी में नहीं पहुंच पाए, मेट्रो सिटी में ज्यादा से ज्यादा इसको देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए एवेन्यू सुपरमार्ट को बिजनेस को बड़ा करना पड़ेगा। और दूसरी बात, कंपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में उतना ज्यादा एग्रेसिवली बिजनेस नहीं कर रहा है। जब ऑनलाइन बिजनेस को ग्रोथ कराएगा तो और भी ज्यादा ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिल जाएगा। तो एवेन्यू सुपरमार्ट के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं, तो रिजल्ट शानदार देखने को मिला। तो कंपनी का रिजल्ट किस तरीके से हुआ, 10,600 करोड़ से बढ़ के हो चुके 12,600 करोड़। तो कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, और उसके बाद कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है 686 करोड़ से बढ़ के हो चुके 623 करोड़ के आसपास। सोचिए कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है कुछ इस तरीके से चेंजिंग हुआ, इस बार सेल्स अच्छा होने के बाद भी कंपनी का प्रॉफिट जर्नी कम हो गया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आएगा, सर ऐसा क्या हो गया कि कंपनी के ऊपर प्रॉफिट कम हो गया। देखिए कुछ नेगेटिव पॉइंट नहीं है, फिर एक पॉइंट मुझे वीकनेस लगा वो है कंपनी का टैक्स। पिछले साल में सर 8% ही कंपनी टैक्स दिया था, और जब कभी भी कंपनी टैक्स को कम देता है तो नेक्स्ट कुछ मतलब नेक्स्ट एक साल के अंदर अंदर उसको जो ड्यू पेमेंट था उसको उसका जो टैक्स था उसको रिपेमेंट करना पड़ता है। तो फाइनली देखिए इस बार कंपनी कंटिन्यूसली 27% के आसपास टैक्स भी दिया, जो कंपनी टैक्स ज्यादा हो चुके हैं, और इसीलिए कंपनी का इस बार प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा चेंज हो चुके हैं। तो सोचिए कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ी नहीं है। अगर मैं यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको ग्रोथ दिखेगा, तो इसीलिए शायद इंस्टीट्यूशन भी थोड़ा सा स्टेक यहाँ पे कम किया है, क्योंकि मुझे लगता है शेयर में करेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है अगर आप देखेंगे तो डीमार्ट के बारे में, चलो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए डीमार्ट के बारे में यहाँ पे क्या बताया, मैं आपको क्या बताया था, यहाँ पे शोल्डर कम हेड बना था, तो मुझे यहाँ पे एक शोल्डर चाहिए था, तो फाइनली वो शोल्डर नहीं बना और कंटिन्यूसली यहाँ पे सेल ऑफ का प्रेशर में है। और जिस तरीके से देखिए यहाँ पे ब्रेक डाउन किए थे और उसके बाद फिर से ऊपर जाने का कोशिश किया, मगर फिर से डाउन हो रहा है, तो मुझे लगता है एक डाउन साइड का ट्रेड बन सकता है। और डाउन साइड का अगर ट्रेड बने तो ये जो लेवल है, ये लेवल कौन सा है, 3300 के आसपास, इन लेवल का आने का चांसेस हायर चांसेस है। तो आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से फोकस रखते हैं, आपका क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है एमके प्रोटीन्स लिमिटेड। तो एमके प्रोटीन्स लिमिटेड जो है वो एक एडिबल ऑयल बेचने वाला कंपनी है, और इस सेक्टर में कंपनी का जो नाम देखने को मिला बहुत छोटा है, क्योंकि 1000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। फिर भी इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट मिला, वो है स्प्लिट का। कंपनी हर एक शेयर के बदले आपको 10 शेयर स्प्लिट के हिसाब से देने वाले हैं, और वो भी 10 नवंबर में। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो लाइक करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और चैनल के ऊपर बने रहना। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।